जीवन की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। लातेहार जिले के बालूमात झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष दिलशेर खान की हत्या अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर कर दिए जाने के बाद दिलशेर खान की अंतिम यात्रा में सोमवार को राज्य के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, लातेहार विधायक बैजनाथ राम, डीसी लातेहार अबू इमरान, जेएमएम जिला अध्यक्ष मोतीलाल शाहदेव शामिल हुए। इस दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रशासन अपना काम कर रही है, जल्द ही हत्या का उद्भेदन कर दिया जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, वहीं पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दी जाएगी। सरकार, प्रशासन, सभी लोग, संगठन, सभी लोग पूरे परिवार के साथ पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और अपराधियों ने जिस तरह से कायरतापूर्ण ढंग से इस एक हम कहे कि एक समाज की रीढ़ थे, पार्टी के लिए भी एक रीढ़ थे और इस तरह की नृशंस हत्या इनकी हुई है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि बहुत जल्द जो भी इस साजिश के पीछे जो भी चेहरे होंगे और इस घटना में जो लोग संलिप्त होंगे, सभी लोग जेल के सलाखों के पीछे होंगे और आगे से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी हमने जिले के पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों, उपायुक्त महोदय सभी को हम लोगों ने निर्देशित कर दिया है और माननीय मुख्यमंत्री भी काफ़ी मर्माहत है। माननीय मुख्यमंत्री ने ही मुझे यहाँ भेजा के जाकर आप शोक संतप्त परिवार से आप मिले, उन्हें ढांढस बंधाएं। परिवार के तरफ से किसी तरह सरकारी सुविधा का आश्वासन? देखिए, अभी आचार संहिता अभी ये सब नहीं, जो भी प्रावधान के अनुरूप जो भी होना होगा, उपायुक्त महोदय यहाँ है, प्रावधान के अनुरूप जो होगा होगा। मैंने कहा कि पूरा परिवार के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ा है।